एक ऐसा नेता जिसने कांग्रेस के लिए अपनी मां से बगावत कर दी, एक ऐसा नेता जिसने अटल जी जैसे दिग्गज नेता को चुनाव में हरा दिया, ऐसा नेता जिसने भारतीय रेल व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। यहां पर बात हो रही है माधवराव सिंधिया की। भारतीय राजनीति के दिग्गज नेताओं की अगर सूची बनाई जाए तो माधवराव सिंधिया उसमें से एक होंगे। क्रिकेट, गोल्फ, घुड़सवारी के शौकीन माधवराव सिंधिया एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को भी चुनाव में हरा दिया था। उनका जन्म 10 मार्च साल 1945 को मुंबई में हुआ था। ग्वालियर राजघराने की राजमाता विजया राजे सिंधिया और जीवाजीराव सिंधिया के बेटे थे। माधवराव सिंधिया ग्वालियर और गुना शिवपरी संसदीय सीट से चुनाव लड़ते थे। माधवराव सिंधिया को हराने के लिए विपक्षी पार्टियां पूरी ताकत लगा दिया करती थी, लेकिन करिश्मा और जलवा ऐसा कि जीत नहीं मिलती थी। माधवराव सिंधिया के सामने एक बार तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें भी माधवराव सिंधिया ने पटकनी दे दी। सिंधिया के शिक्षा की बात करें तो शुरुआती शिक्षा ग्वालियर में उनके परिवार के द्वारा संचालित सिंधिया स्कूल में हुई थी। इसके बाद वो पढ़ाई की लंदन चले गए। साल 1971 में जब पढ़ाई पूरी करके वापस लौटे, लेकिन तब तक उनकी माँ राजमाता विजय राजे सिंधिया कांग्रेस को छोड़कर जनसंघ में शामिल हो चुकी थी। माँ जनसंघ में थी और उन्होंने ही अपने बेटे को गुना से जनसंघ की सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही। माधवराव ने साल 1971 में पहली बार चुनाव लड़ा और जीतकर महज 26 साल की उम्र में संसद तक पहुंच गए। लेकिन अब माधवराव सिंधिया और राजमाता के बीच की दूरियां बढ़ने लगी थीं और कुछ ही दिनों के बाद माधवराव ने अपनी मां से अलग होकर सियासी रास्ता पकड़ लिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। माधवराव हमेशा गुना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते थे। इधर ग्वालियर, जिसे अटल जी का गढ़ कहा जाता था, साल 1984 में बीजेपी ने अपने नेता अटल बिहारी वाजपेयी को ग्वालियर जैसे सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ाने का फैसला किया। बीजेपी वाले इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि यहां तो अटल बिहारी जीत ही जाएंगे, लेकिन अचानक से पासा पलट गया, क्योंकि राजीव गांधी के कहने पर माधवराव सिंधिया नामांकन खत्म होने के कुछ ही मिनट पहले ग्वालियर कलेक्ट्रेट पहुंचे और फिर ग्वालियर लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर राजनीति में सनसनी मचा दी। इसके बाद ग्वालियर की मानो चुनावी फिजा पूरी तरह से बदल गई। चुनावी जानकार ये बताते हैं कि ऐसा पहली बार था जब बीजेपी को अपने पराजित किले में पोलिंग एजेंट बनाने तक के लिए लोग नहीं मिल रहे थे और माधवराव सिंधिया के हाथों अटल बिहारी वाजपेयी को उस दौर में रिकॉर्ड मतों से करारी हार झेलनी पड़ी। लोग तो यहां तक कहते हैं कि किसी भी एक बूथ पर उस वक्त वो जीत के लिए तरस गए थे। इस जीत के बाद राजीव गांधी की जब सरकार बनी तो माधवराव को अपना रेल मंत्री बनाया। उनके रेल मंत्री बनने के बाद रेलवे में बड़े बदलाव देखने को मिले। कभी माधवराव खुद भी ट्रेन से सवारी करते तो कभी इसमें सुधार के लिए अधिकारियों को काम करने की बात कहते। हालांकि बीच में साल 1996 में माधवराव कांग्रेस से अलग होकर भी चुनाव लड़े, लेकिन जीत फिर भी माधवराव को ही मिली। उधर राजमाता गुना से लगातार चौथी बार बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर जीतती रही। राजमाता की मौत के बाद माधवराव ने ग्वालियर छोड़कर गुना से चुनाव लड़ना शुरू कर दिया और वहां से भी लगातार जीतते रहे। हालांकि 30 सितंबर साल 2001 को यूपी की एक रैली को संबोधित करने के लिए दिल्ली से कानपुर जाते वक्त मैनपुरी में हवाई जहाज की दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। जानकारी के मुताबिक भैंसरोली गांव के ऊपर उड़ान के दौरान विमान में आग लग गई थी। उस वक्त बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी वो आग जलती रही। खेत में गिरे विमान पर ग्रामीणों ने जैसे तैसे कीचड़ डालकर उस आग को बुझाया। एक निजी विमान था। जानकारी तो यहां तक आई कि इस विमान में कोई ब्लैक बॉक्स नहीं था। हालांकि पिता के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी सियासत में अपना कदम कांग्रेस के जरिए रखा, लेकिन सिंधिया अब अपनी दादी राजमाता की पार्टी बीजेपी में हैं और फिलहाल केंद्र सरकार में मंत्री हैं। माधवराव सिंधिया को लेकर ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें जरूर बताइए और ऐसी तमाम किस्से कहानियों के लिए लगातार जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।